हेलो ट्वेल्थ क्लास, मैं लेकर आया हूँ 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डोज आप लोगों के लिए। लास्ट तक देखना है वीडियो को। 3 क्वेश्चंस हैं जिनके जैसे क्वेश्चन या ये क्वेश्चन डेफिनेटली तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसका जो और पार्ट है वो, इफ़ एक्स टू द पावर वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई देन फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। ये डेरिवेटिव आपको इसमें फाइंड आउट करना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कम 10-15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन तो आपके पास आता ही है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? सबसे पहले दोनों तरफ, दोनों साइड इक्वेशन के लॉग ले लेंगे। लॉग कौन सा होगा? ये ई बेस का लॉग होता है बेटा, ये आपको समझना है। इसको हम नेपियर लॉगरिथम कहते हैं। ट्वेल्थ में कहीं पे भी जिक्र नहीं कर रखा है, तो मैंने नॉलेज के लिए बताया, आपको पेपर आंसर शीट में नहीं लिखना है, ठीक है। तो लॉग लेंगे, लॉग एक्स टू द पावर वाई इक्वल्स टू लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लगा देंगे तो पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेफ्ट में हो जाएगा वाई लॉग एक्स, ऐसे राइट साइड में भी हो जाएगा एक्स माइनस वाई लॉग ई। तो लॉग ई की वैल्यू 1 होती है तो लॉग ई यहाँ से हट जाएगा। सो वाई लॉग एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करिएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट टू लगेगा। फर्स्ट फंक्शन वाई, सेकंड फंक्शन लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस वाई फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वाई। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं 1/x, एंड लॉग एक्स को आगे लिख लेते हैं लॉग एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, दिख रहा होगा आप लोगों को। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना था तो डी वाई ओवर डी एक्स के टर्म एक तरफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। तो लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स और राइट वाला जो डी वाई ओवर डी एक्स था उसको भी लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया प्लस साइन के साथ, बाकी के टर्म्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब हमें सिंपलीफाई करना है इसको। लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेंगे, लॉग एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, सिंपलीफाई करेंगे एलसीएम लेंगे एक्स, तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये इसका डेरिवेटिव था, ऐसा इसको सॉल्व करना था। होप आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू, देखो वो डार्क लिख रखा है, वो नहीं होना था डार्क, उसको सेट को डार्क लेटर में लिखा जाता है, बट कोई बात नहीं। तो रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी ए बी से रिलेटेड तब होता है जब बी स्क्वायर ए से बड़ा हो। तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है नॉट सिमेट्रिक बोला हुआ था, दोनों में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले नॉट रिफ्लेक्सिव करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एक एग्जाम्पल देना होता है, काउंटर एग्जाम्पल, और उससे ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ए की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम लोग हाफ रख देते हैं 1/2, ए इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि अब ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ए स्क्वायर विल बी 1/2 का स्क्वायर, दैट इज सॉरी 1/4 नहीं, 1/2 का स्क्वायर करेंगे पहले, 1/4 ही आ जाएगा, 1/4, ठीक है। नाउ आप चेक करिए, देखो 1/4 जो होता है ना 1/2 से लेस होता है, 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/4, ऐसा भी कह सकते हैं। इट मीन्स ए ग्रेटर देन होगा ए स्क्वायर, बट कंडीशन के हिसाब से ए से तभी रिलेट होता जब ए स्क्वायर ए से बड़ा होता। तो ये कंडीशन जो है एग्जाम्पल देना है, तो हम ऐसा करते हैं ए की वैल्यू -1 पुट करते हैं, बी की वैल्यू 2 पुट करेंगे। सो क्लियरली अगर आप बी को स्क्वायर करेंगे ना, बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 विच इज़ ग्रेटर देन -1, इट मीन्स बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए। सो ए कॉमा बी, ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। बट अब इसका कन्वर्स देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बी को ए से रिलेट करवाना पड़ता है। तो ए स्क्वायर देखेंगे, -1 का स्क्वायर 1 विच इज लेस देन 2, इट मीन्स ए स्क्वायर इज लेस देन बी। Thank you.
face of two dice is greater than 7, if 4 appear on the top face of first dice, ठीक है, इसको समझना बेटा, ये क्वेश्चन जो है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, ठीक है, इसमें एक इवेंट आपको गिवन है, हो चुकी है और एक हो रही है, तो लेट करते हैं कैपिटल ये एक इवेंट है कि सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 7। सेकेंड इवेंट एफ है जिसमें ये बोला हुआ था कि 4 अपीयर करता है फर्स्ट डाइस पर, तो दो डाइस थे ना, तो पहले पे 4 अपीयर हो जाता है, वो फिक्स्ड है। अच्छा, तो हम लोग इसके लिए पहले सैम्पल स्पेस या फेवरेबल आउटकम्स का कलेक्शन बनाते हैं सेकेंड इवेंट एफ के लिए। तो इसमें कौन कौन से इवेंट आउटकम्स होंगे, देखिए 4 फिक्स रहेगा फर्स्ट वाले में, फर्स्ट डाइस पे, क्योंकि 4 आ जाता है, सो वी विल फिक्स्ड 4 एट द फर्स्ट पोजिशन। सेकेंड पोजिशन वेरी करेगी 1 से लेकर 6 तक, तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 एंड 4.5 विद 4.6। अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो इसको पहले समझना जरूरी है, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क करती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ हम इसको लिखते हैं, मतलब ई के होने की प्रोबेबिलिटी जब एफ ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा हिंदी में लिखा है ताकि आपको अंडरस्टूड हो जाए अच्छे से ये कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ई के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि एफ हो चुका है, इसी को कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें एक चीज़ ध्यान आपको देनी है, जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ना, तो जो इवेंट हो चुकी होती है, जैसे यहाँ पे एफ हो गई थी, तो एफ को फेवर करने वाली जो आउटकम्स होती हैं वो ई के लिए सैम्पल स्पेस का काम करते हैं, मतलब ई के लिए जो सैम्पल स्पेस बनेगा दैट विल बी फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट जो एफ है, जो पहले हो चुकी है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालना आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो एफ का सैम्पल फेवरेबल आउटकम्स हमने लिखी थी, इसमें टोटल 6 आउटकम्स थी, तो सैम्पल स्पेस ई के लिए बन जाएगा 6 एलिमेंट का, तो 6 आ जाएगा अपॉन में। ऊपर आपके पास आएंगे ई के लिए फेवर करने वाले आउटकम्स, तो इसी में से देखते हैं, देखो 4.48, 4.59, 4.610, ये तीनों 7 से बड़े हैं, तो 3 आउटकम्स इसको फेवर कर रही हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, दैट इज़ 1/2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख लिया तो बिना बोले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, भूलिएगा मत, है ना। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताने वाला हूँ। ओके।